बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम शौकत अली यूसुफ़ई है, लोग मुझे शौकत यूसुफ़ई कहते हैं और मैं मुंतखब हुआ हूँ PK 23 शांगला 1 से। इस दफ़ा मैंने दो मरतबा इलेक्शन लड़ा, एक दफ़ा मैं जीता तो जो मुखालिफ उम्मीदवार था उन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी कि जी ख़वातीन के वोट कम पड़े हैं, तो उन्होंने दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया। तो जो पहली दफ़ा मैंने वोट लिए थे 17,500 लिए, जब मेरे पे एतराज़ हुआ दोबारा मैं इलेक्शन में गए तो गालिबन कोई 40,000 के करीब मैंने वोट लिए। तो ये और इस ये मेरा दूसरी मरतबा इंतखाब था, पहली मरतबा मैं PK 2 पेशावर से मुंतखब हुआ था और उस वक्त मुझे फ़र्स्ट टाइम सूबाई वज़ीर सेहत बनाया गया और इंफॉर्मेशन दी गई, फिर बाद में इंडस्ट्री भी दी गई, उसके बाद फिर इस दफ़ा फिर उसके बाद फिर मिनिस्ट्री चली गई तो फिर मैं स्पोक्स पर्सन बना गवर्नमेंट का। और इस दफ़ा भी जब मैं आया तो मुझे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री दी गई और उसके बाद फिर लेबर एंड कल्चर दी गई, तो आजकल मैं लेबर एंड कल्चर को देख रहा हूँ। सियासत मुझे बड़ा आसान लग रहा था और मैं समझ रहा था कि सियासत में आके ना जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकेंगे। यहाँ के पता चला तो यहाँ बड़ी मुश्किलात होती हैं और यहाँ तो आपकी जो लाइफ है वो भी आधी रह जाती है, यानी जो भी सियासतदान होंगे वो आखिरी उम्र में जाके मेरे ख्याल से हाफ मेंटल भी हो जाते हैं। तो मैं जहाँ तक देखता हूँ कि काफ़ी मुश्किलात हैं, लेकिन मेरी चॉइस थी, मैं चूँकि स्टूडेंट लाइफ में पॉलिटिक्स में रहा और स्टूडेंट लीडर रहा और उस वक्त मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से था, तो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन क्योंकि उस वक्त तारिक इंसाफ बनी नहीं थी तो हम भुट्टो साहब को वो करके उनके नाम पे सियासत करते थे। लेकिन बाद में जब 96 के अंदर इमरान ख़ान आए और उन्होंने तब्दीली का नारा लगाया तो फिर उनके साथ शुरू दिन से रहा और मेरे ख़्याल से सबसे पुराना वर्कर हूँ खैबर पख्तूनख्वा में और शायद सबसे पहला वर्कर भी हूँ, तो ये एजाज़ हासिल है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, सारे लोग लगे हैं इसमें, असद कैसर साहब, शाह फरमान साहब, ये काफ़ी पुराने हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है पार्टी को उठाने के लिए चलाने के लिए, तो अभी तक तो बस है क्या क्यों आए क्यों ना आए, भाई एक ही मकसद था। हमने कहा कि हमारे, मैं आपको एक थोड़ा सा वाक्या सुनाऊँ कि 1988 में हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिया और उसमें हमने, मैं छोटा था स्टूडेंट था लेकिन मैंने सिपासनामा पेश किया था कि जी हमें, हमारे गांव में पानी नहीं है तो आपने हमें पानी देने और बिजली देनी है, तो बिजली तो खैर बड़ी बात थी लेकिन पानी जो था वो बिल्कुल काहत थी, वहाँ पे पानी नहीं होता था, वो हमारे जो ख़वातीन है ये दूर दरिया से जाके वहाँ से पानी लाती थी। तो मैं हमेशा जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं ये आवाज़ यही बुलंद करता। फिर हमने तंजीमी नौजवानान बनाई, उसका मैं प्रेसिडेंट बना अपने इलाके का, वहाँ मैंने इस पानी का मुतालबा किया तो मुझे उन्होंने FIR काट के मुझे गिरफ्तार कर लिया कि जी ये वो करता है, लोगों को उकसाता है। मैंने सड़क बंद की, मैंने बाज़ार बंद किया तो कहते हैं ये जी क्या कहते हैं इंतशार फैलाने वाला है, हालांकि मैं एक जेन्युइन बात की थी, बड़ा पुरमन तरीके से मैंने पानी मांगा था, तो मुझे उन्होंने बंद कर दिया, हथकड़ियाँ लगा दी। और तो बाद में जब मुझे ख्याल आया कि अगर हम दूसरों के पीछे फिरते हैं तो हम खुद क्यों ना इलेक्शन में हिस्सा लें और खुद क्यों ना लड़ें, तो शुरू में जब मैंने 96 के अंदर इलेक्शन लड़ा तो मुझे गालिबन 450-450 वोट पड़े और उसमें यह था कि मुझे घर के वोट भी नहीं पड़े थे क्योंकि मेरे जो वालिद थे वो सख्त मुखालिफ थे, उसने कहा कि तुम पीपल्स पार्टी को ख़राब करना चाहते हो। तो बहरहाल ये एक स्टार्ट थी हमारी और उसके बाद फिर इमरान ख़ान ने मुझे पेशावर से भी टिकट दिया, शांगले से भी दिया 2013 में, और फिर मैं यहाँ पेशावर से जीता।
तो एक एक लगन थी, एक शौक़ था कि मैं अपने इलाके के लिए काम करूं, और अल्लाह ने मौका दिया मुझे 2013 में। उसमें मैंने बड़ा काम किया शांगला के अंदर, कम से कम 1.5-2 अरब रुपए का काम किया। इस दफ़ा भी जो है ना, काफ़ी जो टूरिज़्म के हवाले से मैं कहूँगा कि काफ़ी सड़कें जो हैं हमारी बन रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है टूरिज़्म का वहाँ पर, और इसका बड़ा फ़ायदा होगा। उसकी उस वक्त तो मैं नहीं था खैर, लेकिन जो मैंने सुना है कि कमेटी जो बनी थी उसमें फ़नकार ही थे, तो उन फ़नकारों ने जिनको रिकमेंड किया, हमारा काम तो ये था कि उनको पेमेंट करना था गवर्नमेंट का, रिकमेंडेशन उनकी तरफ से आई है, चाहे उन्होंने दो नंबरी की है या गलत बयानी की है या जो भी किया है, उस कमेटी की तरफ से जो नाम आया वही हुआ है। हुकूमत ने इसमें अपना कोई नाम शामिल नहीं किया, जो मेरे इतला के मुताबिक, आई डोंट नो कि वो सही है गलत है, लेकिन जो मुझे इतला दी गई, मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा जी हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये बाकायदा सीनियर लोगों की कमेटी बनी थी और उन सीनियर लोगों ने जिनको रिकमेंड किया हमने उनको किया, और बाद में बहुत ज़्यादा भी हो गए, और शायद कोई आर्टिस्ट उसमें ना भी था या शुरू में अगर था भी तो बहुत कम अरसे तक उसने काम किया या एक आधा कोई प्ले किया वो। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल अभी भी, आपसे थोड़ी देर पहले सेक्रेटरी कल्चर साहब आए थे, वो खुशहाल साहब, तो मैंने उनसे यही कहा कि देखें हमें तो सबको सपोर्ट करना चाहिए जो भी आर्टिस्ट है, लेकिन जो जेन्युइन आर्टिस्ट है ना उनको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, जो आपके कल्चर को ज़िंदा रख रहे हैं, जो आपके उसमें चंद एक, जिस मैंने उसको मिसाल दी, मैंने उस दिन जमील बाबर साहब का इंटरव्यू मैं देख रहा था और पूरी इंटरव्यू मैंने उनकी देखी, उसमें जो उनकी ख्वाहिशात थी बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशात थी, लेकिन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे तो वो ख्वाहिशात उनकी पूरी हो सकती है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की ख्वाहिशात पूरी हों। तो मैंने उसमें अभी वो बैठे थे उनको मैंने कहा कि इसमें कोई ऐसा हमारे वो डालें कि अगर कोई फ़नकार कोई करना चाहता है, एक्टिविटीज़ करना चाहता है, तो अगर वो अपने वसाइल ना हो तो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करे, लेकिन एक अच्छे काज के लिए, तो ये भी हो सकता है। दूसरा रिश्ता हाल है हमारे पास, ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए कह रहे हैं कि जी हम नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं दे रहे हैं आप, क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर कोई आर्टिस्ट अगर कोई 5 दिन के लिए शो करना चाहें, जिस तरह अलहमरा में होता है लाहौर के अंदर, तो यहाँ क्यों नहीं होता है? आप दें उनको, जो आपके चार्जेस हैं वो आप लें और बाकी उनके हवाले करें कि जी आपने करना है। तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि इसमें मुकम्मल प्रेजेंटेशन बनाए और 1-2-3 दिन में मुझे बताएं कि निश्तलाल हम क्यों नहीं खोल सकते हैं, सिनेमा हम क्यों नहीं खोल सकते हैं। मैंने उनसे ये भी कहा कि इसके बारे में मुझे लाओ कि अगर हम SOP फॉलो करें, वो ज़माना तो गया जो खिड़की तोड़ होता था, जो लोग घुसते थे सिनेमा के ऊपर, वो जगह ही नहीं होती थी। अब तो मेरे ख्याल से पूरे फिल्म में 10 बंदे बैठे होते हैं, 20 बंदे, तो उनके लिए तो SOP बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने कहा कि इस तरह, फिर ये जो 3D और ये इस तरह के जो सिनेमाज वो हो रहे हैं जिस तरह सेंटोरियस के अंदर हैं, तो मैंने कहा इसके भी हम इनक्रेज करना चाहते हैं। फिर हमने जो कल्चर डिपार्टमेंट में मैंने जो इस दफ़े अप्रूवल दिए, जो ADP में रिफ्लेक्ट हो चुका है, हमने कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस जो बिल्कुल निश्तराल के तर्ज पे होंगे, लेकिन स्वाद के अंदर हम बना रहे हैं, और एक मोमेंट एजेंसी में, एक बाजौड़ में, एक हम खैबर में बना रहे हैं। ये फर्स्ट उसमें हम, मेरी कोशिश होगी कि इन 4 जगहों पे हम बनाएं, और मोमन के जो कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनेगा वो मोमन का अपना ट्राइबल जो उनका वो होगा तर्ज होगा वो उसके तर्ज पे होगा, बाजौड़ का अपना, ताकि ये लुक लगे कि हाँ ये इतने हमारे पास डिफरेंट वो हैं, कल्चरल हमारे पास हैं। तो हम अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। पहली दफ़ा आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये कोरोना ख़त्म हो जाए तो मैं अपने आर्टिस्टों का वफ़द दुबई, यूरोप, यहाँ भेजना चाहता हूँ और सेंट्रल एशिया भेजना चाहता हूँ। ये अगर कोरोना ना आता तो मैं ऑलरेडी एक प्लान कर चुका था, लेकिन कोरोना की वजह से फिर वो सारे जो है ना, वो हमारा दुबई वाला ट्रिप जो है वो कैंसिल हो गया। मैं चाहता हूँ कि हमारे आर्टिस्ट किसी से कम नहीं है। ये जो आर्टिस्ट है ना, बजाय इसके कि आप इनको पैसे दें और आप कहें जी घर बैठ जाएँ, तो उससे बेहतर ये कि आप इनसे काम लें। यही आर्टिस्ट अगर आप दुबई ले जाएं, आपके पास इस्माइल शाहिद है, शिनो है, आपके पास हिंको ज़ुबान के लोग हैं, आपके पास चतराली ज़ुबान के लोग हैं, पश्तो के हैं, उर्दू के हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, इनको आप इस्तेमाल करें, इनसे आपका कल्चर इनसे कल्चर को प्रमोट कराएं, और ये कर सकते हैं। तो मैं तो इस दफ़ा जो मैंने कोशिश की है कि जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको किसी और तरीके से मोबिलाइज कर सकें, जो लोग काम कर सकते हैं उनको हम काम का मौके दें। PTV से मैं बातचीत हो रही, शिबली से मैंने 2 दफ़ा कहा है कि भाईजान ये वो दौर था जब यहाँ से PTV ड्रामे
यहाँ से होते थे और यहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो बड़ा अच्छा काम करते थे, पूरे नेशनल सर्किट पे आते थे, उनके नेशनल लेवल पे जो ड्रामा बनता था उसमें वो आते थे। अब देखें हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ से चले गए क्योंकि यहाँ पर ड्रामा नहीं हो रहा है, कुछ लोग शहर छोड़ कर चले गए, कुछ लोग बेरोज़गार हो गए। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप हफ्ते में अगर दो प्रोग्राम भी हमारे लिए रख लें तो ये आपकी मेहरबानी होगी, पश्तो इनको कर लें या उर्दू करें जो भी हो, लेकिन उससे कम से कम ये होगा कि आर्टिस्ट जो है वो ज़िंदा रहेगा। तो ये मेरी पूरी कोशिश हो रही है सर। देखिए इसमें तीन चार किस्म के लोग थे ना, एक तो देखिए रेडियो से लोग थे, एक पीटीवी से लोग थे, एक आपके नश्तरहाल वाले थे, कुछ आपके जो है ना सिंगर थे, कुछ आर्टिस्ट थे, कुछ वो थे जो शेर शायरी करने वाले अदीब, ये सारे लोग उसमें थे ना। अब अदीबों ने जो शामिल किया है वो आप नहीं जानते थे, जो आपने शामिल किया वो उनको वो उधर से एतराज़ कर रहे हैं, आप उस पर एतराज़। तो ये हमने नहीं किया है, किया उन्हीं नहीं है, लेकिन हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लोगों को लिया था जो उन्होंने अपने अपने लोग इंडेक किए, लेकिन ठीक है उसकी स्क्रूटनी हो सकती है। लेकिन जो प्रोग्राम जो है, अगर हम सारी ज़िंदगी अगर सिर्फ हम ये कहें कि जी बस उनको बिठाएं घर पर और उनको पैसे दें, मेरे ख्याल से आर्टिस्ट इस पर खुश नहीं होगा। आर्टिस्ट बड़ा हसास वो है, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ उनको, वो चाहेंगे कि जी हमें काम दें और उसका आप हमें मुआवजा दें। तो बेहतर तो ये है कि हम बजाय इसके कि उनको 15,000-10,000 रुपये देते रहें, और वो तो अपनी ज़रूरत तो उनकी पूरी होगी या नहीं होगी, लेकिन उनका जो ज़मीर है वो मर जाएगा, और फनकार का ज़मीर मरना नहीं चाहिए, हम उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं। तो जो अच्छी बात है वो ये कि इनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा करें कि ये काम कर सकें, मेरा अपने साथी के, उससे वो ज़िंदा रहेगा। क्योंकि देखें सिर्फ आर्टिस्ट की तो सबसे बड़ी जो बात होती है वो उसकी पॉपुलरिटी होती है। आर्टिस्ट कहते हैं कि मुझे पूरी दुनिया जाने और ये मेरी पहचान हो, तो अगर उसकी पहचान ही ख़त्म कर दें आप, सिर्फ आप उसका नाम ही लेते रहें कि जी बस मैं जानता हूँ कि ख्याल मोहम्मद कौन है, अगर ख्याल मोहम्मद सिर्फ एक ख्याल मोहम्मद को तो ज़ाहिर है सारी दुनिया जानती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे ख्याल मोहम्मद आए होंगे जो चाहते हैं कि हम ख्याल मोहम्मद बने, लेकिन उनको हम यहीं मार देते हैं कि जी आप घर में बैठे हम आपको पैसे देंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इनको आप स्टेज दें, इनको आप मौके दें, इनके लिए ज़राए बनाएं। और ये जो आप कह रहे हैं कौन इनके सेलेक्ट कर बाहर ले जाने के लिए, आप एक वफ़त चला जाए ना, जिस आर्टिस्ट के अंदर गट्स होगी ना वो आप लोकल लेवल पे भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब बाहर आप जाएंगे ना तो आप ऐसे लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो आपके, आपका मकसद क्या है वहाँ पे ले जाने का। आप ये कहेंगे कि जी मैं पश्तो कल्चर को प्रमोट करूँ, तो वो पश्तो कल्चर कौन प्रमोट कर सकता है? वो आपके पास इस वक्त इस्माइल शाहिद शिनो के अलावा मुझे कोई नहीं लग रहा है, और होंगे और भी हैं, कुछ दो तीन और भी नाम मैंने देखे, लेकिन हमें नहीं पता इसलिए कि हमने उनका काम ही नहीं देखा। उस दिन नश्तरहाल में एक फंक्शन हुआ था कुछ दिनों पहले, आप यकीन करें उसने कश्मीर पे ड्रामा किया था और वो लड़का बाद में मुझे पता चला कि ये उसने लिखा भी खुद है और उसने परफॉर्म भी खुद किया, जबकि उसको मैं 20 दफ़ा देख चुका था, मैं समझे वैसे ही कोई है, लेकिन जब उसने परफॉर्म किया और वो सामने आया तो मैं तो हैरान हो गया कि इस लड़के के अंदर इतनी सलाहियत है। तो सलाहियतों की तो कमी है नहीं, सिर्फ ये कि आप उनको मौके दें। और मेरी जो कोशिश होगी कि अपने डिपार्टमेंट से मैं कह रहा हूँ कि जी आप इनके लिए मौके दे दें, ये आर्टिस्ट किसी से कम नहीं है। जमाल शाह आप देखो, कवि खान देखें आप, यही सब यहीं से होकर गए हैं। ये आपका जो बड़ा सीनियर आर्टिस्ट है इस वक्त लाहौर में बैठा हुआ, उस दिन मेरी उससे बात हुई, तो कहने का मकसद ये कि वो लोग क्यों यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं। देखिए दहशतगर्दी हुई तो आपका सरमायाकार सारा निकल गया, आपकी दहशतगर्दी बढ़ी तो आपका आर्टिस्ट निकल गया, सारे कोई अमेरिका चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई कहाँ चला गया, सिंगर आपके भाग के, कोई अफगानिस्तान चला गया, कोई। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो है ना इस वक्त एक पुरमन वो अगर है हमारा बना हुआ है, तो इसमें हम अपने आर्टिस्टों को वापस दावत दें, वापस आएँ, अपने मुल्क आएँ, अपने मुल्क की खिदमत करें, लेकिन उनके लिए प्लेटफॉर्म तो बनाना पड़ेगा। अगर हम वैसे ही उनसे कहें कि जी टीवी भी बंद है, एक खैबर टीवी है, वो बेचारा कितने लोगों को अकोमोडेट करेगा। देखिए मैं जो आपको कह रहा हूँ ना, अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे गवर्नमेंट के उस पर, तो ये कल्चर प्रमोशन होगी नहीं, आप इसको आज़ाद करेंगे। देखिए इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अगर आप आज नश्तरहाल खोल दें कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे आपके पास, वो ड्रामा करेंगे, वो अपने लिए खुद सेलेक्ट करेंगे, वो आप सेलेक्ट नहीं करना। हम गवर्नमेंट का कोई काम है कि जी कौन सा आर्टिस्ट यहाँ आके काम करना है, हमारा तो ये कि अगर ये हो सकता है
कि जितने आर्टिस्ट हैं ताकि वो एक सीक्वेंस भी रहे और एक डिसिप्लिन रहे। उसके लिए ये हो सकता है कि आर्टिस्ट अपने आप को रजिस्टर करे वहाँ पे, ये हो सकता है। लेकिन कौन काम करे ये तो उस प्रोड्यूसर का काम है जो उसको जो प्रोड्यूस करना चाहता है ड्रामा या, ठीक है ना, ये प्रोड्यूसर का हक होता है। कुछ लोग उस दिन आए थे, मैं बड़े रिस्पेक्ट करता हूँ आसिफ खान की, और क्योंकि आसिफ मेरा बड़ा पुराना दोस्त है ना, तो आसिफ भाई हो गया और तीन चार लोग आए थे। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की पश्तो फिल्मों के हवाले से, मैंने कहा कि आज भी अगर आप देखें तो यही खैबर पख्तूनख्वा, अगर आप आज भी सर्वे कर लें कि जी आपको कौन सी फिल्में अच्छी लगती, वो कहेंगे जी इंडियन फिल्में अच्छी लगती। तो इंडियन की कहानी क्या है, कहानी क्या है इंडिया की? तो ये कहानी अगर आप यहाँ पर ले आएँ, आप हर फिल्म साज इससे डरता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा जब तक मैंने बंदूक नहीं दिखाई, जब तक मैंने बदमाशी नहीं दिखाई, जब तक मैंने लड़की को अगवा करते हुए नहीं दिखाया, या उसको मेरी फिल्म ही नहीं चलेगी। तो ये गलत कंसेप्ट है। जब आप आज, आपकी अक्सरियत जो है, देखें एक ज़माना था जब नदीम, शबनम, वहीद मुराद, नीलो, ये इनको लोग क्यों देखने जाते थे? मोहम्मद अली ज़ेबा को क्यों लोग देखने जाते थे? ये लोग बदले तो नहीं, लोग तो वही हैं। आज भी आप पूछें उनकी फिल्में अभी भी अगर लगती हैं तो लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि इसलिए कि यहाँ के जो लोगों का मिजाज है ना, वो मिजाज जो है वो लेकिन आशिकी का मिजाज है। लोग फारिग बैठे हैं बहुत सारे, कोई स्टूडेंट है तो वो अपना इमेज बनाए बैठा है, कोई ट्रक ड्राइवर है उसने अपना इमेज बनाए बैठा है, वो जब गाना लगता है वो कहता है मैं बदर मुनीर हूँ। तो ये हर आदमी, ये जो ना इंसानियत की जो फितरत होती है ना, आप फितरत से मुख्तलिफ नहीं चल सकते हैं। आपकी फितरत ये कहती है कि हर आदमी आशिक हो सकता है, हर आदमी की अपनी ख्वाहिश हो सकती है। तो वो बंदूक लेने वाले और बंदूक चलाने वालों की मैं समझता हूँ बहुत कम लोग होंगे। आपके पूरे फैमिली के अंदर आप देखें तो एक आधा कहीं होगा कि यार उसको बंदूक का शौक होगा। हमारी फैमिली में आज तक किसी के पास बंदूक नहीं है अल्लाह के फजल से। हम भी उसी कल्चर में पले बड़े हैं, हम उसी कल्चर के लोग हैं, लेकिन हमारे वालिद ने एक बंदूक नहीं रखी, हमने भी नहीं रखी, हमारे बच्चे भी नहीं रखेंगे इंशाल्लाह, ना ज़रूरत पड़ेगी। तो कल्चर क्या है आपका? कल्चर ये है कि कल्चर में आशिकी जो होती है वो, उसको आप माने या ना माने, लेकिन ये बड़ा डोमिनेंट वो है इस माशरे के अंदर। आप अगर फिल्म बनाते हैं, आप फिल्म में जो है वो चीज़ ही नहीं दिखाते हैं, तो आपकी फिल्म देखने कौन आएगा? तो ये जो लोगों ने एक कंसेप्ट बनाया कि वल्गरिटी को आप शो करें तो आपकी, आपका जो ख़र्चा निकल आएगा, तो कितना ख़र्चा निकल आता है आप पता है? वो सिनेमा जिसमें तिल धरने की जगह नहीं होती थी वहाँ पूरे शो में 10 बंदे। मैं आज भी इस पे कायल हूँ कि अगर थोड़ी सी स्टोरी चेंज कर दे और वो पुरानी फिल्में देखें, आपके पास खाना बदोश, आपके पास ये जो दीदन है, ये दर्रा खैबर है, आपके पास यूसुफ खान शेरबानो है, आदम खान दुरखान, ये सारी फिल्में मैं देख चुका हूँ। ये सारी फिल्में आज भी अगर आप लगा देना तो लोग फिर आके दौड़ेंगे देखेंगे इसको। क्यों देखेंगे? उनके नगमे गाने आज भी जब बजते हैं किसी होटल में तो लोग उसको सुनते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, हमने खुद साख्ता एक चीज़ बनाई कि ना मड़ा बस दो चिदा जोड़ कर ब्याह जमा फिल्म ना खर्ची, ये गलत है, ये कंसेप्ट गलत है। हुकूमत का काम नहीं है फिल्म बनाना, ड्रामे बनाना, नहीं। देखिए कल्चर डिपार्टमेंट जो होता है ये, चूँकि मैं तो नहीं था, मेरा तो 2 महीने हो गए हैं, लेकिन कल्चर डिपार्टमेंट का काम ये नहीं है। कल्चर डिपार्टमेंट प्रमोशन कर सकता है, कल्चर डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट दे सकता है, मॉरली सपोर्ट दे सकता है, आपको और बहुत सारे सपोर्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप डिपार्टमेंट आ गया है कि जी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आ जाए आप फिल्म बनाएं, इस तरह नहीं हो सकता। हम आपको और बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट दे सकते हैं, आपको जगह की ज़रूरत है, आपको देखिए आज आपको पता है कि पहले जो फिल्म बनती थी उसमें आपको पूरा स्टूडियो जो है बुक करना पड़ता था, पूरे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने, शानूर स्टूडियो था, एवरन्यू स्टूडियो था, ये सारे बुक होते थे। आजकल आपको स्टूडियो की ज़रूरत ही नहीं, आप एक कैमरा उठा के चले जाएं और आप किसी पहाड़ी पे चले जाएं, उससे बेहतरीन लोकेशन आपके पास है ही नहीं, लेकिन आप मेहनत तो नहीं कर रहे हैं, आप पीछे लोकेशन रख के आप फिल्म बनाते हैं। ये जो चीज़ें ना, देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बड़े आसानी के साथ करने लगे हैं। ये कहते हैं जी उस पर ख़र्चा बहुत आता है, मुझे नहीं पता है कि कौन सा ख़र्चा आता है। अगर आप वो डांस दिखाते हैं उसका और उसमें वल्गरिटी दिखाते हैं, उसी कैमरे से वो वल्गरिटी लोग आप कर सकते हैं, तो उसी कैमरे से आप कोई अच्छी स्टोरी भी दिखा सकते हैं। तो ये मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि जी, क्योंकि इसमें कुछ लोग हैं, नसीम खान है, नसीम, उसने फिल्म बनाई है वो बिल्कुल चली है, उससे पूछें आप, उसके तो कभी उसने नुकसान नहीं किया,
उसने कभी भी नसीम खान की फिल्म में आप देखें थप्पड़ मारना भी नहीं है, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे सबका पता है। तो उसकी फिल्म अगर नुकसान नहीं कर रही है तो ये क्यों नुकसान करेगी? लेकिन आपने आर्टिस्टों को देखा ना, जो आपके ओरिजिनल आर्टिस्ट है वो कहाँ हैं? आप अगर जमील बाबर को आज उठा के लाएं कि इसमें काम करें, वो कभी नहीं करेगा। आपके जितने जेन्युइन आर्टिस्ट हैं कोई भी आपके इस फिल्म में काम नहीं करेगा जो आजकल आप बना रहे हैं। देखिए हमारे डोमेन में जो भी होगा वो हम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जब से मैं आया हूँ ना, बदकिस्मती से अगर कोरोना ना आता ना तो आप बहुत सारे चेंजेस भी देखते इसमें। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा जो पूरा सिस्टम है ना, ये थोड़ी सी मेहनत चाहता है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास आर्टिस्टों की कमी है या कोई हमारे पास वसाइल की कमी है, यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले भी हैं, सब कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि उनको फील्ड दें। और ये बदकिस्मती है कि आज तक इस डिपार्टमेंट को अहमियत नहीं दी गई, वो हर लेवल पे मैं आपको बात कर रहा हूँ। अगर कल्चर का कोई मिनिस्टर भी रहा है तो सॉरी टू से मेरे से जितने पहले भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि कल्चर डिपार्टमेंट है क्या। इवन लेबर डिपार्टमेंट को पहली दफ़ा लोग पहचानेंगे कि लेबर डिपार्टमेंट है क्या, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखें उसके अंदर एक रिफॉर्म्स की गुंजाइश मौजूद है। और हमारे आर्टिस्ट ऐसे आर्टिस्ट हैं कि अगर मैं आज भी अगर चाहूँ ना और मामूली बजट से भी फिल्म बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ अगर मेरे साथ वो आर्टिस्ट काम करें। और आप देखें कि इस वक्त कुर्बानी देने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, वो कहते हैं जी किसी तरीके से हमारी फिल्म उठे और इंडस्ट्री उठे। तो मैं अगर नहीं भी कोई करना चाहता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा ये कर सकता हूँ, लेकिन कोई आज सामने तो आए ना जो आर्ट फिल्म बनाए, जो जिसमें जिसके अंदर आपके आपका कल्चर भी दिखाया जाए, आपका जो ओरिजिनल इस वक्त लोग देखना चाहते हैं, ये मारधाड़ वाली चीज़ कोई भी नहीं देखना चाहते हैं, यकीन करें। ये इसके बहुत कम लोग होते हैं, ये ज़्यादा लोग नहीं होते। आप देखें कभी भी इंग्लिश फिल्म में आपने नहीं देखा होगा कि हाउसफुल रहा हो। इंग्लिश फिल्म के गिने चुने लोग होते हैं जो वो ख़ास चीज़ उसमें देखना चाहते हैं इंग्लिश फिल्मों के अंदर। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो तनाजुली आई है सिनेमास के ऊपर, जो लोग अब गिराने लगे हैं, बेसिकली वो प्रोड्यूसर ही नहीं रहे जो आपको प्रोड्यूस करके दे फिल्म, जो आपको कहानी बना के दे। जो आप आज देखें ना, आज फिल्म शुरू हो जाती है 3 दिन बाद मुकम्मल हो गया जी, बस डबिंग पाते थे जी या डबिंग अलग हुआ। तो ये तो एक फिल्म होती थी जो महीनों उस पर लग जाते थे। हमें याद है कि जब हम स्टूडेंट थे, हम पढ़ते थे स्वाद के अंदर, तो ये जो फिल्में बनती थी उसकी शूटिंग होती थी, तो ज़्यादातर मैंने खुद नदीम शबनम को देखा था एक चौक के अंदर जो स्वाद में हमारा स्कूल के बिल्कुल बाहर, हमारा रेसस हो रही थी, तो हमने कहा क्या हो गया, लोग जमा है, तो कहते नदीम शबनम, तो हम आके उधर खड़े हुए, वो रिकॉर्डिंग करते रहे और अपना रिकॉर्डिंग करके चले गए। तो वो जो लोग हैं जहनों में होता था कि यार इस फिल्म को देखना है क्योंकि इस फिल्म की रिकॉर्डिंग हमने देखी है। अब आपकी जो देखो ना, 2 दिन में आपकी रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो जाती है, आप लोकेशन तलाश ही नहीं करते हैं। देखिए हर चीज़ का अपना एक वो होता है, अगर आप एक गाना रिकॉर्ड करते हैं, अगर उस एक गाने में आप 5 लोकेशन दिखा दें तो लोग जो है ना, हर आदमी वो कहेगा ये तो हमारी जगह है। तो उस इलाके के लोग आएंगे आपकी फिल्म देखेंगे, यार हमारे उस इलाके को दिखाया है ये। लेकिन अगर आप चीज़ों को दिखाएंगे, वहाँ जाके आप शूटिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को पता होगा कि यार ये फिल्म आने वाली है, इसमें मैं भी वहाँ खड़ा था, मुझे भी उन्होंने दिखाया है। सर ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। उस पर बात ये हो सकती है कि दोनों सरकारी डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर कमर्शियल पर्पसेस के लिए होता है ना, तो जाहिर है वो अगर हम इस तरह उस पर दिखा दें कि भाई यही सिटी हाउस है, तो फिर देखने बहुत कम लोग आएंगे ना। तो उसकी तो वो खासियत ही है कि कोई आए और देखिए और चला जाए ना। सिटी हाउस की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ये हो सकता है कि अगर उसको स्पेशल कोई प्रोग्राम हो तो उसके लिए तो इजाज़त ली जा सकती है। जी आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है, मेरे जहन में नहीं थी, मैं सही बात करता हूँ। ये जो है ना, ये एकेडमी, ये कल हमारी मीटिंग है तो मैं उसमें ये आपके शामिल कर दूँगा। म्यूज़िक एकेडमी है और साथ आपके जो आर्टिस्ट हैं हमारे, ये भी क्योंकि बदकिस्मती यहाँ तो हादिसाती आर्टिस्ट बने ना, जितने भी लोग आप देखें, जिस तरह हादिसाती हम पॉलिटिक्स में आ गए, इसी तरह हादिसाती बहुत सारे अदाकार भी आ जाते हैं। आप किसी की भी कहानी सुने तो वो कहता है मैं तो बनने नहीं आया था लेकिन मैं बन गया ना। तो इसी तरह ये चीज़ें, लेकिन एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए आर्टिस्ट का। एक ड्रामा हुआ था जानजेब कॉलेज के अंदर,
एक लड़का अभी भी आता है पश्तो फिल्मों में, बड़ा अच्छा, मुझे नाम नहीं आता उसका, वो विलन बन गया था फिर, तो वो उधर उसने विलन का रोल किया था उस ड्रामे, ये 82 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं जान साहब कॉलेज में था, तो उसने एक रोल किया और वो ज़बरदस्त और लाइव परफॉर्मेंस दी उसने स्टेज पे, और इतने ज़बरदस्त कि आप कहें कि यार ये तो बिल्कुल नियामत सरदी की तरह है। और बाद में वो लड़का इमरान गालिबन हसन, तो वो बाद में फिर मैंने देखा, एक दो फिल्मों में मैंने देखा उसको, वो नज़र आया मुझे, मैंने कहा अभी चला यार, वो विलन ही था उसमें, साइड विलन था, मतलब फुल विलन नहीं था। तो कहने का मकसद ये कि ये अकेडमियाँ होती थी जब आप यूनिवर्सिटियों के अंदर, और ये कल्चर शो हमारे होते थे वहाँ पे, डिबेट्स होती थी, तो डिबेट से लोग निकल आते कि यार ये बच्चा बड़ा अच्छा मुकर्रर है, वो पता चल जाता कि आगे जाके क्या, इसी तरह। तो जब हमारे दौर तक ये चीज़ें थी, स्पोर्ट्स में था, मैं खुद स्पोर्ट्स, हमारे स्पोर्ट्स होती थी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स की टीम में था, कॉलेज टीम में भी था, यूनिवर्सिटी टीम में भी था क्रिकेट में, ये चीज़ें जैसे जैसे ख़त्म हो रही हैं ना, तो हर शोभा जो है उससे मुतासर हो रहा है। अब मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि अगर हम अपने स्कूलों के अंदर ये दोबारा कल्चरल शोज और ये जो स्पोर्ट्स, देखो हॉकी क्यों ख़त्म हो रही है आपकी, हॉकी से हमारे सूबे से काफ़ी लोग आते थे, बनू से आते थे, इधर स्वात से आते थे, एक लड़का, दो तो मेरे क्लास फेलो थे, बाद में वो कैप्टन भी बना वो लड़का। तो कहने का मकसद ये कि इन चीज़ों को फोकस करना होगा हमें अपने तालीमी निसाब के साथ साथ, जो हमारे जो कल्चर प्रमोशन है और स्पोर्ट्स प्रमोशन, दोनों की तरफ हमें ध्यान देना होगा। मेरे नॉलेज में भी नहीं है ये, और क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जब से मुझे बनाया गया तो कोरोना आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें हमसे इसी तरह रह गई, तो मुझे इसका इलम भी नहीं है। मैं इंशाल्लाह ये जो हमारी कल मीटिंग होगी ना, ये दोनों अकेडमी और जो हमारे बेहतरीन शायर हैं, जो हमारे अदीब हैं, अगर उनकी बुक्स की अवेलेबिलिटी का इशू है तो इतना ख़र्चा हम कर सकते हैं कि उनके लिए बुक छपवाएं। इसके अलावा भी अगर कोई शायर हैं, नए शायर हैं, और वो अपनी किताब छपवाना चाहते हैं, वो रिसोर्सेज नहीं रखते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे उनके लिए। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि जिस तरह लेबर डिपार्टमेंट के अंदर मैं आया, तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपके कितने लेबर हैं हमारे पास, उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो मैंने उसके लिए एक स्कीम रखी कि जी हमें डेटा बना के दी जाए कि कितने हमारे पास लेबर्स हैं पूरे केपी के अंदर। इसी तरह ये जो आपने मुझे पिन पॉइंट किया, तो मैं ये चाहूँगा कि डेटा बनाया जाए कि हमारे पास फ़नकार कितने हैं, तो ये मैं कर दूँगा इंशाल्लाह। मुझे थोड़ा सा आप वो करें ना, तो मैं आपके लिए हल तलाश करूँगा कि हमारे पास आर्टिस्ट कितने हैं, म्यूज़िशन कितने हैं, और ये जो लोग हैं अदीब शौरा जितने भी हैं ना। देखो कितना हद तक मैं आगे जाता हूँ ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन मेरी पूरी नीयत है, पूरी कोशिश है कि मैं आर्टिस्टों की जितनी मदद कर सकूँ करूँ, क्योंकि ये जेन्युइन लोग हैं, बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, और ये एक सलाहियत होती है इंसान के अंदर, कोई उसे डम कहे जो भी कहे, लेकिन ये एक सलाहियत है, हर किसी में नहीं हो सकती है। हर किसी को आप ये जो कैमरे के सामने अभी मैं बैठा हूँ ना, तो ये भी एक सलाहियत है मेरी कि मैं कैमरे को फेस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो कैमरे के सामने शाही हो जाते हैं, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, बहुत सारे लोग आप सवाल कुछ पूछेंगे जवाब कुछ और देगा, तो ये जो है ना, ये एक टैलेंट होता है, और टैलेंट जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। अब हमारा तो टैलेंट ज़ाया हो गया ना, हम तो नहीं बन सके, ना आर्टिस्ट बन सके, ना अभी कैमरे को हम फेस कर सकते हैं, लेकिन वो काम हम नहीं कर सकते अभी, तो ये टैलेंट तो ज़ाया हुआ। तो अब जो आने वाले लोग हैं ना, उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए, मेरी तो अपनी ज़ाती राय है इंशाल्लाह, और मैं दूंगा जो भी मेरे से होगा करूँगा। अगर हकीकत में बताऊँ ना आपको, तो कल्चर की तबाही एनपी ने ही कराई है। देखें खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कब शुरू हुई है, जिन जिन का आप नाम ले रहे हैं ना, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्या आप मुझे बताएं कि जितने आर्टिस्ट यहाँ से फरार हुए या बेचारे अपनी जानें बचाकर चले गए, वो किसके दौर में हुए? हमारे दौर में तो अल्लाह के फजल से ना धमाके हो रहे हैं, ना किसी को धमकियाँ मिल रही हैं, ना धमकियाँ मिलती थी वो भी उनके दौर में, तो ये तो बड़ा आसान सा काम था, आप धमकियाँ भी दिलवाएं, लोगों को भी मरवाएं, जो उनकी पॉलिसी थी, और साथ उनसे कहें जी आप खुश रहें। देखिए ये इस तरह नहीं होता है, जो असल चीज़ होती है एनवायरनमेंट, माहौल। गवर्नमेंट का काम होता है कि आप माहौल बना कर दें, बाकी तो हर आदमी की अपनी सलाहियत है। अब मैं तो आपकी सलाहियत नहीं छीन सकता, आप तारिक अजीज़ जो है वो तो आप मेरा नहीं ख्याल है कि 200 साल बाद भी आप तारिक अजीज़ को पैदा कर सकें, नहीं कर सकते। 200 साल भी हो जाए तो आप उमर शरीफ को नहीं ला सकते,
आपके पास जो मोइन अख्तर है, आप मुझे बता के दें मोइन अख्तर के कोई मतवादे आज तक पैदा हुआ? तो मेरे भाई ये तो एक सलाहियत होती है, ये सलाहियत आप किसी के अंदर ढाल नहीं सकते, ये नेचुरल होती है, कुदरती, जो आपको अल्लाह ने दी होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से अगर आप ये कोई कहे ना कि जो उस दौर में हम खुश थे, तो उस दौर में ये भी था कि आर्टिस्ट बाहर निकल ही नहीं सकता था। ये जो जितने भी आप देखें, उससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम था? किसी आर्टिस्ट को कभी नहीं था, किसी आर्टिस्ट को कोई तकलीफ नहीं थी। खुलेआम आप देखें हमारे स्वाद के अंदर, हम स्टूडेंट होते थे, हम जाते थे, दिल तवादे थे, शादी हो रही है जनाब, पलंग पड़े हुए हैं, लोग आग जल रही है, और लोग जो है ना वो सारी चीज़ें, गाने शाने सारे होते थे। उसके बाद जब इनकी हुकूमत चली, जो हर हफ्ते में दो धमाके होते थे और आर्टिस्टों को धमकियाँ मिलती थी, उसमें अगर इन्होंने किसी आर्टिस्ट को खुश रखा, तो ये तो कोई खिदमत ना हुई ना। देखें ना आप, गुलजार आलम वो क्यों भागा था, अफगानिस्तान क्यों शिफ्ट हुआ? कोई इससे वैसे तो नहीं शिफ्ट हुआ, वो तो धमकियों से शिफ्ट हुआ था ना, कि उसको धमकियाँ मिल रही थी और उसको उसकी ज़िंदगी को ख़तरा था। आपका जो दूसरा आर्टिस्ट है जो इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है, हारून बाचा, वो मुजाहिद जो ज़बरदस्त आर्टिस्ट था आपका, वो क्यों अमेरिका में बैठा हुआ है? मुझे हर एक का पता है ये, क्योंकि मुझे मैं इनको स्टडी करता हूँ, मैं देखता हूँ कि किसके साथ क्या हुआ है। आप सबकी कहानियाँ देखें ना, तो उनको धमकियाँ मिलती थी। आपके नश्तर हाल क्यों बंद रहे उस ज़माने में, आपके सनमाज में धमाके होते रहे, तो ये तो देखें ना आप, अगर वो दौर वापस लाना चाहते हैं तो ये तो इनकी अपनी मर्ज़ी है कि ये मुल्क हमारा है, ये सूबा हमारा है, और हमें अपने मुल्क को बनाना है, अपने सूबे को बनाना है। बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे पास, हमारे पास कल्चर भी है, हमारे पास टूरिज्म भी है, हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बुनियाद बना के अपनी मईशत को मजबूत कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि टूरिज्म के प्रमोशन के लिए हुकूमत जितनी मेहनत कर रही है, उसमें हम सबका अपना रोल बनता है कि हम जंगलात का तहफ़ करें, हम जो पानी हम ज़ाया करते हैं उसको ज़ाया ना करें, और ये सारी चीज़ें हम अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखें, क्योंकि आने वाला जो वक्त है ना, वो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है पहले से। अगर हमारी ये नस्ल कुछ ऐसा काम करे जो आने वाली नस्ल को फ़ायदा हो, तो उनके लिए आसानियाँ होंगी, तो हम उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें और अपने लिए भी करें। तो मैं यही कहूँगा कि मुल्क को अपना समझें, और जिस तरह हम अपना घर चलाते हैं उसी हिसाब से हम अपने इस मुल्क को चलाएं। मैं मशहूर हूँ जरगा टीवी का कि उन्होंने मौका दिया मुझे, और जो व्यूज़ थे मेरे कल्चर के हवाले से, बहुत सारी गलतफहमियाँ होती हैं उस हवाले से, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो डिपार्टमेंट मेरे साथ हैं, चाहे वो कल्चर है, लेबर है, या और वो लोग जो हुकूमत से कोई मदद मांगना चाहते हैं या उनसे हेल्प लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं उनके लिए इंशाल्लाह ताला ब्रिज का रोल अदा करूँगा, और जितना मुझसे हो सके, मेरा मिशन ही है कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, तो इंशाल्लाह ताला किसी को मायूस नहीं करूँगा। मेरा ऑफिस में आप जो भी रब्ता करता है, मैं उनके साथ बिल्कुल, मैं उनको कहता हूँ, मुझसे पूछते हैं कि जी फलाने ने रब्ता किया था, क्या टाइम दे दें, मैं उनको फ़ौरन टाइम देता हूँ, कोई इशू नहीं है। और मेरे ख्याल से मेरे से सबसे ज़्यादा आसान मैं ही हूँ, क्योंकि मैं एक तो छुपता नहीं हूँ, मैं रात को लाइव टीवी पे अपने बैठ के फेसबुक पे लाया आता हूँ, अपने हलके के साथ, आवाम के साथ, यूरोप के साथ, जितने मेरे फैंस हैं, पार्टी के लोग हैं पुराने, उन सब के सामने मैं बैठा रहता हूँ, उनके जवाब देता हूँ, वो क्वेश्चन करते रहते हैं, मैं उनको आंसर करता रहता हूँ। तो सियासत के अंदर यही होता है कि आप लोगों के साथ लाइजान रखें, जितना आप इन होते हैं लाइजान रखते हैं। डरना क्या है, हमने क्या डरना है, हमने कौन से एसेट बनाने हैं, हमने कौन सी करप्शन करनी है, और हमने अगर कोई की है तो लोगों को पता है कि साइकिल पर आने वाले लोग हैं, अगर कल बाजारों में जाएंगे तो लोग पूछेंगे बाजारों में कैसे आए हो, तो वो तो जवाब तो देना पड़ेगा ना।